तो मैं साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ट्विन टावर्स ध्वस्त किया जाना है, क्या कहना चाहिए? ये स्वागत करता हूं। इस प्रकार का कार्य इसलिए होना चाहिए था और हो रहा है क्योंकि अब भ्रष्टाचार के आधार पर, सत्ता के संरक्षण के आधार पर इस प्रकार के टावर बनाए जा सकते हैं। लेकिन यह संदेश है पूरे प्रदेश और देश के लिए कि इस प्रकार के टावर बनाए तो जा सकते हैं लेकिन वो गिराए भी जा सकते हैं। और वह गिराने का काम जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भ्रष्टाचार के कारण से हुआ था, और योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के समय वह ढहाने का काम हो रहा है, माननीय न्यायालय के आदेश से हो रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यह सरकार भी लोगों की नज़र से गिरती जा रही है और इस वजह से इस तरह की कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी लोगों की नज़र से गिर गई है। लगातार 4 चुनाव जो जनता से सीधे चुन करके आते हार चुके हैं और इसके इस तरह की बातें करना ये तो नैतिकता को तार तार करने वाली बात है। इनकी ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकार के समय ये भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हुई और वह इस प्रकार के बयान दे करके मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। गलती किया है तो उसको स्वीकार करो, और अगर स्वीकार करने का साहस नहीं है तो इस प्रकार की बातें करके मतलब नैतिकता को तो तार तार मत करो। क्या आने वाले दिनों में जो संलिप्त अधिकारी या मंत्री जो पूर्व हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई? तो जो भी जांच के दायरे में आएगा, जो भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार को संरक्षण करेगा, वो चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे बिल्डर हो, कार्रवाई तो होगी। इस तरह की चीजें भविष्य में ना हो, इसको लेकर के कुछ कार्य योजना आप लोग ठोस तरीके से? ये इसी का संदेश है। अब किस बिल्डर्स के साहस होगा, किस अधिकारी का साहस होगा कि 200 करोड़ से अधिक लागत की इमारत 20 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करके अगर ढहाया जा रहा है तो यह तो संदेश है। अब जो खरीदने वाले हैं वह भी ऐसे लोगों से नहीं खरीदेंगे, जो बनाने वाले हों बनाने से बचेंगे, जो अधिकारी इस प्रकार की बिल्डिंगों को बनवाने के लिए संरक्षण करते हैं वह भी ऐसा करने की सोच नहीं सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो इस समय जंग चल ही रही है, उस जंग का जीता जागता नमूना यह भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अपनी अहम राय हमसे साझा की। कैमरामैन दिवाकर के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती है। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।